गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण की पुस्तक संस्कार व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को वचन पढ़ाने जा रहा हूँ। वचन किसे कहते हैं? वचन व्याकरण में संख्या का बोध कराता है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, या शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के कई प्रवास किसी कई तरह से रोक देते हैं। एक वस्तु का जहां बोध हो उसे एक वचन, जहां एक से अधिक वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। चांद एक, तारे अनेक, राम एक, राम सीता लक्ष्मण अनेक, एक आंख, एक कलम, एक टोकरी, एक किताब, एक कॉपी, एक कलम, इससे एक का बोध है वह एक वचन। एक से अधिक बहुवचन, जैसे दो लड़के, चार लड़के, दो से चार से, यानी एक से अधिक हो वह बहुवचन। वचन के दो भेद, एक वचन और दूसरा बहुवचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से एक वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, या जिस शब्द से एक संख्या का पता चलता हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक से अनेक संख्याओं का पता चलता हो उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु, प्राणियों या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। आपको कुत्ता कुत्ते, लड़का लड़के, घोरी घोरिया, एक वचन से बहुवचन। शब्द को एक वचन से बहुवचन बदलने पर प्रायः उसका रूप बदल जाता है। आपको मैं फिर बताता हूं कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन में एक संख्या से अनेक संख्या का बोध होता है, एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसको हम बहुवचन कहते हैं।